यहाँ पर आप देखेंगे तो टाटा का नया वाला लोगो मिल जाएगा, 2024 की पहचान। ऐसे ही टाटा ने यहाँ पर प्रॉपर कवरिंग के साथ दो सिलेंडर रख दिए और अच्छा सा मतलब जुगाड़ है ये, अच्छा सा नीट एंड क्लीन टाइप से यहाँ पर रखा हुआ है। बेस वेरियंट के अंदर भी आपको चारों पावर विंडो मिल जाती है। सीट आप देखो नेक्सोन के लेवल की सीट इस गाड़ी के अंदर मिलेगी। हाइट एडजस्टमेंट का फीचर भी मिल जाता है बेस वेरियंट से ही। कुछ इस तरीके का काफी बढ़िया सा इंटीरियर इस गाड़ी का लगता है, ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि आप बेस वेरियंट के अंदर बैठे हुए हो। इतनी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं बेस वेरिएंट के अंदर भी। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर जो है तीन फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाते हैं और वगैरह से आपको अच्छी पावर इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगी। इस गाड़ी का जो क्लेम माइलेज है वो है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोहित चौहान, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं नई 2024 वाली टाटा टिगोर CNG के बारे में। टाटा टिगोर CNG का ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। ये है इस गाड़ी का बेस वेरिएंट, XM वेरिएंट, और बेस वेरिएंट के अंदर आपने इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं देखने होंगे जो कि इस वेरिएंट के अंदर आते हैं। काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ये बन जाता है। इस वेरिएंट की कीमत की बात करें तो इस वेरिएंट का जो शोरूम प्राइस है वो है मात्र 7,74,000 रुपये। 7,74,000 रुपये में क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी के अंदर मिल जाती हैं, क्या क्या फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं और कितनी सेफ्टी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है, उन सारी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस गाड़ी के फ्रंट से शुरुआत करेंगे तो इस गाड़ी का जो फ्रंट लुक है वो भी अच्छा सा लगता है देखने में। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर हेलोजन में हेडलाइट सेटअप मिलेगा, यहाँ पर इंडिकेटर दे रखा है, नीचे की तरफ फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलेंगे और ना ही कोई DRL मिलेगी क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो टाटा का नया वाला लोगो मिल जाएगा, 2024 की पहचान। यहाँ पर आपको क्रोम गार्निश मिल जाती है, आपको ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट यहाँ पर दे रखा है, टोइंग हुक यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है और ओवरऑल जो इस गाड़ी का फ्रंट लुक है देखने में अच्छा लगता है। ये गाड़ी अपने सेगमेंट की गाड़ियों जैसे कि स्विफ्ट की डिज़ायर और हुंडई की ओरा से काफ़ी हद तक अच्छी बन जाती है सेफ्टी वाइज हम देखेंगे तो। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको जो है 175/60 R14 की टायर प्रोफाइल मिलती है, स्टील रिम दे रखे हैं क्योंकि बेस वेरिएंट है। आगे की तरफ डिस्क, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे और जो ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है वो आपको 170 mm का मिल जाएगा। यहाँ पर फेंडर पर इंडिकेटर दे रखा है, बेस वेरिएंट है तो दर्शाना भी पड़ेगा। बाकी यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर कुछ इस तरीके का ओआर भी मिलेंगे, टर्न इंडिकेटर इसके अंदर नहीं मिलेगा। टाटा के मेरे हिसाब से यही गाड़ी है जिसके अंदर आपको जो है बेस वेरिएंट के अंदर यहाँ पर टर्न इंडिकेटर नहीं दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है। ये मैनुअली एडजस्टेबल है और फोल्डेबल है। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर जो है कुछ इस तरीके के ब्लैक आउट डोर हैंडल मिलेंगे क्योंकि बेस वेरिएंट है। यहाँ पर आपको 50 lakhs कार का वही स्टिकर मिल जाएगा, पीछे की तरफ आपको वही ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो नॉर्मल एंटीना दे रखा है। हाई माउंट स्टॉप लैंप देखो कितना बड़ा साइज गाड़ी के अंदर मिल जाता है और टाटा का लोगो यहाँ पर दे रखा है। ICNG की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर जो है चाबी लगाने के लिए मिल जाएगा क्योंकि इसके बूट खोलने के लिए आपको कोई भी बटन वटन नहीं मिलेगा, चाबी से आपको बूट खोलना पड़ेगा। टिगोर की बैजिंग यहाँ पर दे रखी है, क्रोम गार्निश यहाँ पर मिल जाती है। टेल लाइट की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको कुछ इस तरीके का टेल लाइट सेटअप मिलेगा, हेलोजन में ही मिलता है। यहाँ पर आपको जो है इंडिकेटर और रिवर्स लैंप मिल जाता है और दो रिवर्स पार्किंग सेंसर इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं और रिफ्लेक्टर भी दे रखे हैं और रिवर्स लैंप यहाँ पर एक आपको मिल जाता है। और बूट स्पेस की बात करते हैं तो इसका बूट आपको आगे से ही खोलना पड़ेगा और या तो आप चाबी से भी खोल सकते हैं। देखो मैं बूट खोल देता हूँ तो, क्योंकि ये CNG है और टाटा के अंदर ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आती है तो इस गाड़ी के अंदर इतना बूट स्पेस बचता है कि आप दो केबिन बैग यहाँ पर आराम से रख सकते हैं या एक सूटकेस भी आप इस गाड़ी के अंदर रख सकते हैं। ऐसे ही टाटा ने यहाँ पर प्रॉपर कवरिंग के साथ दो सिलेंडर रख दिए हैं, इसमें 60 लीटर की वही आपकी जो है CNG टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है और अच्छा सा मतलब जुगाड़ है ये, अच्छा सा नीट एंड क्लीन टाइप से यहाँ पर रखा हुआ है और सामान भी आप ठीक ठाक सा यहाँ पर रख सकते हैं। इस सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर जैसे ओरा वगैरह के अंदर बूट थोड़ा सा बड़ा है लेकिन टैंक एक है तो बूट स्पेस में कमी हो जाती है, जैसे कि डिज़ायर के अंदर है, लेकिन इसके अंदर वो आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। बूट को कर देते हैं बंद और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर जो है 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, यहाँ से आप CNG डलवा सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर 70 लीटर CNG आती है, 70 लीटर का मतलब CNG का टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है सॉरी। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर CNG का स्टिकर दे रखा है और वोकल फॉर लोकल का बेज भी यहाँ पर मिल जाता है, कोई भी डीफोगर वगैरह नहीं मिलेगा क्योंकि बेस वेरिएंट है। और डोर ट्रिम की बात करें तो कुछ इस तरीके का ग्रे टोन में आपको जो है डोर ट्रिम दे रखा है इस गाड़ी के अंदर, पूरा इंटीरियर ग्रे सा मिलेगा। बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको चारों पावर विंडो मिल जाती है, वो एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक करने के लिए मिल जाता है, ये आपको जो है डोर हैंडल मिल जाता है लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पर दे रखा है। ग्रैब हैंडल कोई भी सॉफ्ट टच वगैरह नहीं मिलेगा, बोतल होल्डर दे रखा है, स्पीकर की प्लेसमेंट भी मिल जाती है। 4 स्पीकर इस गाड़ी के अंदर मिलेंगे और 0.5 लीटर की बोतल केवल आप रख सकते हैं। सीट आप देखो नेक्सोन के लेवल की सीट इस गाड़ी के अंदर मिलेगी। हाइट एडजस्टमेंट का फीचर भी मिल जाता है बेस वेरिएंट
से ही। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर ABC पेडल मिल जाते हैं, डेड पेडल भी दे रखा है, और यहाँ पर आपको बोनर ओपनर मिल जाता है, जो आपको बूट ओपनर है और फ्यूल लिड ओपनर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। की बात करें तो कुछ इस तरीके की आपको नॉर्मल की मिलेगी टाटा की, वही फ्लिप की वगैरह इस वेरियंट के अंदर नहीं मिलेगी क्योंकि बेस वेरियंट है, लेकिन आपको सेंटर लॉकिंग मिल जाती है की से, रिमोट वाली नहीं मिलेगी। और अब इसके इंटीरियर की बात करते हैं तो सीट कवर वगैरह भी आपको एकदम जो है ग्रे कलर के मिलेंगे, तो वो एक अच्छी बात है। और इंटीरियर की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का काफ़ी बढ़िया सा इंटीरियर इस गाड़ी का लगता है, ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि आप बेस वेरिएंट के अंदर बैठे हुए हो। देखो बढ़िया सा लगता है इंटीरियर, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं बेस वेरिएंट के अंदर भी, हॉर्न कुछ इस तरीके का मिलेगा, यहाँ पर टाटा का लोगो नया वाला मिल जाता है, यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट मिल जाता है, और स्टेयरिंग व्हील के अंदर आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलेगी टेलीस्कोपिक, तो इसके अंदर आप एक्सपेक्ट ना ही करें तो अच्छा है। और यहाँ पर हेडलाइट का स्टॉक दे रखा है, यहाँ पर वाइपर का मिल जाता है, और कुछ इस तरीके की डिजिटल MID आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। यहाँ पर आपको ये CNG दिखा देगा, यहाँ पर आपको ये फ्यूल के लिए मिल जाता है, और RPM मीटर यहाँ पर मिल जाता है, ये आपका स्पीडोमीटर डिजिटल इस गाड़ी के अंदर दे रखा है, वो भी एक अच्छा सा मिल जाता है, उसके अंदर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अच्छा सा मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर सेंटर कंसोल में हरमन कार्टन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जो कि एक अच्छी सी बात है। यहाँ पर एसीवेंट्स का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का मिलेगा, हैजार्ड लाइट का बटन भी यहाँ पर दे रखा है, ये कोई भी आपका टच वगैरह नहीं है, नॉर्मल म्यूजिक आप इससे चला सकते हैं। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये CNG से बंद और CNG चालू करने का है, मतलब पेट्रोल से CNG, CNG से पेट्रोल में करने का है। और मैनुअल AC मिल जाता है, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक USB का पोर्ट दे रखा है, 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। इस गाड़ी का जो AC है वो एकदम बढ़िया सा है, थोड़ी सी देर में ही कूल कर देता है। मैनुअल हैंडब्रेक यहाँ पर मिल जाता है, दो कप होल्डर यहाँ पर दे रखे हैं, एक स्पेस यहाँ पर भी मिल जाती है, और ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको अच्छी खासी डीप स्पेस दे रखी है। मैनुअल डे एंड नाइट IRVM मिल जाता है बेस वेरियंट के अंदर, और यहाँ पर टिकट होल्डर भी मिल जाता है, इस साइड आपको कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलेंगे, एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। देखो टाटा मोटर्स काम तो कर रहा है अपनी चीज़ों के ऊपर, और यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर जो है कोई भी लाइट नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है जो कि LED में है, देखो ये भी एक अच्छी बात है। और यहाँ से जो डैशबोर्ड का लुक है वो कुछ इस तरीके का लगता है। ओवरऑल अब हम जो इस गाड़ी के सेकेंड रो की बात करते हैं, वहाँ पर आपको कैसा क्या कम्फर्ट मिल जाता है। बात करें इस गाड़ी के सेकेंड रो की तो इस गाड़ी के अंदर जो है कुछ इस तरीके का सेकेंड रो मिल जाता है। सेकेंड रो के अंदर भी आपको पावर विंडो दे रखी है, अच्छी बात है, और लॉक अनलॉक करने के लिए मिल जाता है, डोर हैंडल दे रखा है, बॉटल होल्डर स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है, ये आपके डोर बढ़िया से वाइड ओपन हो जाते हैं, उसके अंदर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर जो है 3 फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि अगेन एक अच्छी बात है, सेंटर में कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। 3-point सीट बेल्ट यहाँ पर जरूर मिल जाता है तीनों ही पैसेंजर के लिए, तो वो भी एक अच्छी बात हो जाती है। और अगर बैठ कर दिखाऊँ तो इस गाड़ी के अंदर स्पेस के मामले में कोई इशू नहीं है, अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, थाई सपोर्ट हो, लेग रूम हो, नी रूम हो, सारी चीज़ें अच्छी से मिल जाती है। 3 लोग तो नहीं, लेकिन 2 लोग कंफर्टेबली इस गाड़ी के अंदर जरूर बैठ सकते हैं। यहाँ से जो एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल है वो भी दे रखे हैं पीछे की तरफ। और अगर बात करें इस गाड़ी की हेडरूम की तो हेडरूम के मामले में कोई इशू नहीं है, अच्छा खासा हेडरूम मुझे यहाँ पर मिल रहा है। अब हम जो इस गाड़ी के इंजन की बात करते हैं, बात करें इस गाड़ी के इंजन की तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर जो है बोनट ओपनर मिल जाता है, और यहाँ पर इंसुलेशन वगैरह भी दे रखी है, अच्छी बात है। यहाँ पर आपको मिलता है 1.2 लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है CNG के अंदर 72 BHP की और 95 Nm का टॉर्क, और वगैरह से आपको अच्छी पावर इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगी, और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। इस गाड़ी का जो क्लेम माइलेज है वो है 26 किलोमीटर प्रति लीटर का। ABS EBT वगैरह भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है, अच्छी खासी सेफ्टी रेटिंग के साथ में जो है टाटा की टिगोर आ जाती है, और CNG के अंदर भी इस गाड़ी के अंदर अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है, तो वो भी एक अच्छी प्लस पॉइंट इस गाड़ी का बन जाता है। तो ये थी आज की वीडियो टाटा टिगोर CNG के XM वेरिएंट की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।